कोई किसी पार्टी में अगर कार्य करते हैं, किसी पद पर हैं, तो एक व्यक्तिगत अपना हर एक का अपना एक राय होता है, लेकिन कुछ मुद्दों पर पार्टी की राय बड़ी स्पष्ट होती है। अगर व्यक्तिगत किसी पर राय देते हैं उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिसके बारे में अपने चर्चा किया उस पर पार्टी की राय बड़ी स्पष्ट थी और हम लोग का जो निर्णय था बिल्कुल सही नहीं थी। RJD 90% आरक्षण की मांग के लेकर कल धरना देने जा रही पूरे राज्य में, उनसे पूछिए एक ही सवाल कि जब आप 15 साल तक थे, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आरक्षण का मामला चला, क्या कर रहे केस को कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट में, उनको तो आरक्षण की याद कब आती है जब वो सत्ता से बाहर हो। तो 15 साल तक यहाँ काबिज है, पिछड़ों का आरक्षण का मामला था, अनुसूचित जाति का आरक्षण का मामला था, महिलाओं का आरक्षण का मामला था, उसमें नहीं आते। अब 90% अभी तो देखिए सवाल ये उठता है, 90% की बात कर रहे हैं तो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं तो आपका अपना इतिहास तो देख लीजिएगा ना। कम से कम अभी केंद्र सरकार ने एक निर्णय, बहुत ही साहसिक निर्णय लिया कि 50% आरक्षण को बिना टच करते हुए जो हमारे सामान्य वर्ग के हमारे जो गरीब बच्चियां हैं उनके लिए 10% का अलग से आरक्षण किया, संविधान में संशोधन लाए। ये धारणा से नहीं होता, इसके लिए संविधान में जो व्यवस्था है उसको संशोधन करना होता है। हमारा तो नहीं करना है, जिस चीज की आज जो चर्चा कर रहे हैं जब उनको मौका मिलता है बिल्कुल ही भूल जाते हैं, उनकी देखिए चिंता होती है, मैं मेरा परिवार कैसे बढ़े, हमारे परिवार की समृद्धि कैसे बढ़े, उनको बिहार से क्या लेना देना।